उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के रोजगार सेवकों ने एक बार फिर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। रोजगार सेवक प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी ना की गई तो 17 मार्च को लखनऊ विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रोजगार सेवकों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे विकास कार्यों में प्रधानों का 12 वर्ष से पूर्ण सहयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें 2 सालों से प्रदेश सरकार वेतन नहीं दे रही है, जिससे परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच चुका है। रोजगार सेवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका वेतन मान मात्र 6,000 रुपए है, फिर भी सरकार उन्हें वेतन नहीं दे पा रही है। इतने वर्षों तक तैयार करने के बाद भी उनका वेतन मान नहीं बढ़ाया जा रहा है। सभी रोजगार सेवकों का वेतनमान 24,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो लखनऊ में 17 मार्च को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। चौहान, जिला उपाध्यक्ष रोजगार सेवक संघ। अच्छा, RDM साहब से मिलने के लिए आए थे, किस संबंध में मिले? क्या मांगे थी आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोगों को 2 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, मानदेय मिला नहीं है। कुल 6,000 रुपये हम लोगों को मानदेय मिलता है, वो भी 2-2 साल तक नहीं मिलता है। अगर इन अधिकारियों की 1 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए तो इनकी गाड़ियों का चलना बंद हो जाएगा। हम लोगों को 2 साल से मानदेय नहीं मिला है, हम लोगों को खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे? हमारे संघ के साथी आत्महत्या कर रहे हैं और हाथरस में एक लड़के ने कल ही आत्महत्या की है। तो और दूसरी बात यह है कि जो डबटेलिंग का आदेश साधन से लागू किया गया है, वो यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में नहीं लागू किया है। इससे क्या है कि मनरेगा से भुगतान किया जा सके, जो 14वां वित्त का काम होता है, राजवित्त का, वो भी नहीं लागू हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, इस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारा की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग 17 मार्च को पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी साथी लखनऊ कूच करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन। पूरे उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? परशुराम। दर्जनों की संख्या में आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं DM ऑफिस, मामला क्या है पूरा? हमारी कई महीनों से मानदेय को मानदेय नहीं मिला है, कई वर्षों से नहीं मानदेय मिला है और हम लोगों की मांगें जो हैं शासन स्तर पर लंबित हैं। शासन स्तर से वो आदेश किए जा रहे हैं बिल्कुल गोल गोल करके, जिनका कोई महत्व नहीं। हमारे साथी फांसी लगा लगा के आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शासन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। और जो भी शासन आदेश करता है, और सबसे ज़्यादा हमारे माननीय योगी जी भ्रष्टाचार पर करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो शासन को दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में हो रहा है, ग्राम प्रधानों के द्वारा हो रहा है। नरेगा में जब भ्रष्टाचार हो रहा था ग्राम प्रधानों को अलग हटाया गया, लेकिन ग्राम प्रधानों के बगैर अधिकारी कदम नहीं रखते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे 2.5 साल का मानदेय जो है बकाया वो दे दिया जाए और हमारी नियुक्तिकरण की कार्रवाई की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो 17 मार्च को हमारे सभी साथी, पूरे उत्तर प्रदेश के साथी लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए बात होंगे। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा 9 सूत्री मांग पत्र है, जो शासन में कई वर्षों से लंबित है। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि हम लोगों को 2.5 वर्ष से मानदेय नहीं मिला है। उसके बाद जो शासन ने आदेश किया है डबटेल के लिए, वो आदेश धरातल पर लागू नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप भ्रष्टाचार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो ग्राम पंचायतों में जो राज्य में 14वें वित्त में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एक नज़र उस पर भी डाली जाए और भ्रष्ट जो भी है उन पर कार्रवाई की जाए। आज आपने ज्ञापन भी सौंपा है, 4 महीने से कहाँ किसके लिए ज्ञापन सौंपा है? माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। किस तरीके अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप अगर हमारा न्याय नहीं मिलता हम लोगों को तो हमारा पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रोजगार सेवक लखनऊ में 17 मार्च को कूच करेगा और वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।